हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे बालाघाट जिले की, मध्य प्रदेश जीके की जो हमारी क्लासेस चल रहे हैं, इसमें जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले बाला जिले की बारे में जो ही बेसिक फैक्ट्स हैं उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। पहले मैप में देख लेते हैं पोजीशन सी क्या है। तो देखिए ये क्या है, मध्य प्रदेश का मैप। मध्य प्रदेश के मैप में बताया था कि निचले हिस्से में क्या कौन सी रेंज है, सतपुड़ा रेंज फैली हुई है। उसी सतपुड़ा रेंज में कौन सा जिला बसा है हमारा, ईस्ट साइड में बालाघाट जिला। क्लियर, बालाघाट जिला जो है वो मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से अपनी बॉर्डर टच करता है। तो देखते हैं बालाघाट के, अगर हम वेस्ट की बात करें तो सिवनी, नॉर्थ की बात करें तो मंडला, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो डिंडोरी जिला। तो मध्य प्रदेश के तीन जिले सिवनी, मंडला और डिंडोरी। अगर हम पूरे ईस्ट में चले जाएं तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव, और अगर हम साउथ की बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र का भंडारा पड़ता है। क्लियर, तो सबसे पहले क्या बताया हमने कि कौन सी रेंज फैला हुआ है, तो सतपुड़ा रेंज में। किस रेंज में, सतपुड़ा रेंज में। क्लियर, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के अन्य कौन से जिले बालाघाट को टच करते हैं, तो कौन कौन से, शिवनी वेस्ट में, नॉर्थ में मंडला और नॉर्थ ईस्ट में डिंडोरी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर कहां टच होती है, बालाघाट से टच होती है। क्लियर, अब चलते हैं आगे। अभी बस देखते हैं इसके क्या प्राचीनी क्या इसका महत्व, ऐतिहासिक क्या महत्व है। तो ये गौड़ राजाओं की क्या थी, यहाँ पर शासन किसका था, गौड़ राजाओं का शासन था। और गौड़ राजाओं ने इसको दो भागों में विभाजित किया था, एक तो देवगढ़ और दूसरा गढ़ मंडला। तो हमने बताया कि किनका शासन था, गौड़ डायनेस्टी थे गौड़ राजाओं के, यहाँ पर क्या था, शासन था। और उन्होंने मंडला जिले, बालाघाट जिले को दो भागों में देवगढ़ और गढ़ मंडला में विभाजित किया था। क्लियर, ये देवगढ़ बताया थे, मंडला पढ़ाए थे, तो शायद बताया थे देवगढ़ को ही गौड़ राजाओं ने अपनी राजधानी बनाई थी। क्लियर, क्योंकि वहाँ 52 तालों का प्राकृतिक सौंदर्य था, इस टाइप की सब बताया हमने वहाँ पे, क्लियर किया है, आप उसको देखिएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे वेनगंगा की घाटी और सतपुड़ा घाटी, वेनगंगा घाटी सतपुड़ा घाटी से घिरी होने का, इसको क्या बोलते हैं, घाटियों का शहर भी बोलते हैं, घाटियों का जिला भी बोलते हैं। क्लियर, घाटियों का जिला, इसे क्या बोलते हैं, घाटियों का भी का जिला भी बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ की क्या जियोग्राफी और डेमोग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ का एरिया कितना है, तो यहाँ का एरिया कितना है, एरिया है 9229 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश में फिफ्थ पोजिशन पे, मध्य प्रदेश में फिफ्थ पोजीशन पे, और इंडिया की बात करें तो 72th पोजीशन पे, 72वें नंबर पे, किसमें है, किसमें, एरिया में है। पूरे 640 जिलों में 72वें स्थान पे कौन सा है हमारा, बालाघाट जिला है। अगर हम बात करें लिटरेसी की, यहाँ साक्षरता दर कितनी है, तो 78.29% यहाँ की साक्षरता दर है। क्या लिटरेसी, साक्षरता कितनी है, 72.29% यहाँ का क्या है, साक्षरता दर है। अगर यहाँ सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की बात करें, हम सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात की, तो यहाँ लिंगानुपात कितना है, 1021 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1021 महिलाएं हैं। तो यहाँ का लिंगानुपात बहुत ही अच्छा है ना मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं यहाँ की पॉपुलेशन की, तो यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 17,1698 व्यक्ति पर्सन। अब बात करते हैं इसको, मेन इसका इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस चीज का कि कितनी है, मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या में बालाघाट का कौन सा स्थान है। तो बालाघाट कौन सा स्थान है, बालाघाट का मध्य प्रदेश में
सोलवा स्थान है, कौन सा 16th स्थान पोजीशन है। और अगर हम बात करें इंडिया की तो 288th पोजीशन है इसमें जनसंख्या में। तो जनसंख्या के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश में 16वें स्थान पे बालाघाट और देश में 288वें स्थान पे, 288th पोजीशन पे है पूरे इंडिया में। क्लियर। चलिए अब देखते हैं यहाँ की तहसील कौन कौन सी, यहाँ की प्रशासनिक देखते हैं क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे फेस क्या है। तो बालाघाट जिले को 10 तहसीलों में डिवाइड किया गया। 10 तहसीलों में कौन कौन सी, बालाघाट, लांजी, किरनापुर, बैरह, कटंगी, बाराशिवनी, खैरलांजी, लालबर्रा, तिरोड़ी, परसवाड़ा और बिरसा। क्लियर। कौन से 10 तहसीलों में बांटा गया है, कौन कौन से वो 10 तहसील, पहला बालाघाट, दूसरा लांजी, तीसरा किरनापुर, चौथा बैरह या बैहत, ठीक है, पांचवा कटंगी, छठवा बारा सिवनी, सातवां खैरलांजी, सातवां लाल बर्रा, आठवां तिरोड़ी, नौवां पारसवाड़ा और लास्ट है बिरसा। तो कुल ये 10 तहसीलें हैं जो कि यहाँ पे बालाघाट जिले में है। अब इसके अलावा 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये तो बात हुई तहसील की, अब बात करते हैं यहाँ की विधानसभा क्षेत्र की। तो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 6 हैं। विधानसभा कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से, पहला तो बालाघाट, लांजी, बैहर, पारसवाड़ा, बारा सिवनी और कटंगी। ठीक, ये 6 तहसीलें हैं वो सब जो कि विधानसभा के रूप में है, बालाघाट, लांजी, कटंगी, बारासिवनी और पारसवाड़ा। क्लियर। तो ये 6 विधानसभा क्षेत्र। अगर हम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, यहाँ का मंडला ही है, बालाघाट क्या है, लोकसभा क्षेत्र है। और यहाँ से लोकसभा सांसद कौन है, ढाल सिंह बिसेन कौन है, यहाँ से लोकसभा सांसद है, कहाँ से, बालाघाट से। क्लियर। अब यहाँ की बात करते हैं नदी की, तो यहाँ की सबसे मेन नदी कौन सी है, वेन गंगा है। क्लियर। वेन गंगा बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि वेन गंगा की घाटी और सतपुड़ा घाटी के बीच में घिरे होने के कारण बोला गया है घाटियों का जिला भी बोला गया। तो यहाँ की कौन सी वेन नदी है, वेन गंगा नदी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, यहाँ कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं। तो जो मेन अयस्क है वो कौन सा है, यहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है पूरे देश का। 80% उत्पादन कहाँ से होता है, बालाघाट से होता है, किसका, मैग्नीज का। तो यहाँ के मेन अयस्क क्या है, मैग्नीज है। लगभग 80% देश का 80% उत्पादन कहाँ से होता है, बालाघाट से होता है। और जो ये बताया गया हमने बैहर तहसील में एक जगह है मलाज खंड। तो मलाज खंड में इसके प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से होता है, इसी मलाज खंड की जगह, तहसील के वो बैहर तहसील के मलाज खंड से होता है। क्लियर। और यही मलाज खंड में क्या किया गया, कॉपर प्रोजेक्ट, मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। कब किया, 1982 मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, 1982 में। जो क्या करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, किसका, मैग्नीज का उत्पादन करता है। साथ ही साथ बालाघाट का एक भरवेली जगह है, भरवेली जो कि एशिया के सबसे ज्यादा, जहां पे एशिया का सबसे ज्यादा क्या है, भूमिगत जमीन के अंदर क्या है, मैग्नीज का भंडार है, ठीक ना, मैग्नीज का भंडार सबसे ज्यादा कहां पे है, भरवेली जगह में, एशिया का सबसे ज्यादा है। एशिया सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पे है, भरवेली जगह पे, भंडार भरवेली कहाँ पे, एशिया की जगह पे, ठीक ना।
अब बात करते हैं नेशनल हाईवे की, तो यहां से गुजरने वाली नेशनल हाईवे कौन सी है, 543 है, NH 43 कहां से हो जाती है, बालाघाट से हो जाती है। वो क्या जब से आती है नेशनल हाईवे 43 से शहडोल जिले में, उसके बाद डिंडोरी मंडला नैनपुर बालाघाट होते हुए कहां निकल जाती है, महाराष्ट्र चली जाती है। क्लियर है बात, कौन कौन से जिले में मध्य प्रदेश के, तो शहडोल, फिर उसके बाद आया कहां, नैनपुर मंडला डिंडोरी बालाघाट अपने उसके चलाएगा कहां, महाराष्ट्र में। क्लियर, तो ये क्या है NH 43 मध्य प्रदेश के इन जिलों से हो गया थी, शहडोल मंडला डिंडोरी और बालाघाट। क्लियर, थोड़ा आगे पीछे इसको सही कर दीजिएगा आप। फिर अगर हम बात करें यहाँ के एग्रीकल्चर की, तो सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाली फसल कौन सी, यहाँ पे धान, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धान, प्रदेश का सबसे ज्यादा धान कहाँ उत्पादन होता है, बालाघाट जिले में होता है। क्लियर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो गंगा की घाटी वाला क्षेत्र है, बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है, यहाँ की बहुत ज्यादा उपजाऊ स्थल है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा धान की उपज होती है। चलिए बात करते हैं आगे यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस की, पर्यटन स्थल की। तो यहाँ जो मेन टूरिस्ट प्लेस है कौन सा है, वो है कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा, कान्हा नेशनल पार्क। तो सबसे पहले इसको बताया था, मंडला जिले में बताया था कि कान्हा नेशनल पार्क वहां का मेन है। तो कान्हा की जो नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला और बालाघाट जिले में फैला हुआ है। क्लियर, कितने एरिया फैला है, लगभग 940 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ, 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, अब इसलिए बना कब था, तो इस नेशनल पार्क बनाया गया था 1955 में, और 1973 में इसको क्या किया गया, टाइगर रिजर्व बना दिया गया, टाइगर रिजर्व बना दिया गया। और यहाँ पर वर्तमान में दो अभ्यारण्य में विभाजित किया गया, इसको दो अभ्यारण्य विभाजित किया गया, कौन कौन से वो है, हालन और बंजार। कौन कौन से अभ्यारण्य है, हालन और बंजार। तो हमने क्या बताया कि कान्हा नेशनल पार्क कितने एरिया फैला हुआ है, 940 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, 940 वर्ग किलोमीटर में एरिया फैला हुआ, किस किस जिले में, तो बालाघाट और मंडला जिले में फैला हुआ है। इसके अलावा बताया कि इसका इसको जो फाउंडेशन है, इसको कब बनाया गया, तो 1955 में बनाया गया, और 1973 में इसको टाइगर रिजर्व का कैटेगरी में शामिल कर दिया गया, इसका दर्जा दे दिया गया। साथ ही साथ उसको वर्तमान में दो अभ्यारण्यों में विभाजित किया गया, कौन कौन से, हालन और बंजार। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, अगला है लांजी का किला। कौन सा, लांजी फोर्ट। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि किस जगह पे होगा, वहां की लांजी तहसील में होगा। क्लियर, किस तहसील में है, बालाघाट की लांजी तहसील में। और इसको बनवाया कौन था, इसको बनवाया था कलचुरी राजाओं ने। किसने, कलचुरी राजाओं ने। देखिए यह क्लियर हो गई कि बालाघाट में गोंड राजाओं का तो शासन था ही, साथ ही साथ इनका शासन था, कलचुरी राजाओं का भी शासन वहां पर था। ठीक, फिर थर्ड है हट्टा की बावड़ी। हट्टा की बावड़ी, इसको कौन बनवाया था, हट्टा की बावड़ी कौन बनवाया था, गोंड राजा हाटे सिंह हलके ने, राजा हाटे सिंह वलके, डॉक्टर ओ सॉरी राजा हाटे सिंह वलके ने इनको इसको बनवाया था, किसको, हट्टा की बावड़ी को। और एक चीज इसमें बताने लायक है कि जो हट्टा की बावड़ी है, इसके अंदर एक सुरंग है। क्या है, इसके अंदर एक सुरंग है, जो कि मंडला के किले, मंडला फोर्ट बताया था हमने मंडला वाले चैप्टर में, तो मंडला के किले और लांजी के किले को आपस में जोड़ता है। क्लियर, कौन सी, हट्टा की बावड़ी। हट्टा की बावड़ी जो है यह क्या करता है, लांजी किले को और मंडला किले को आपस में जोड़ता है। क्लियर, चलिए बात करते हैं अगला,
अगला है राम पायली, क्या सी जगह? राम पायली, राम पायली ये क्या है? राम पायली जब राम जी वनवास के लिए निकले थे तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर भी वो रुके थे राम पायली जगह पे, तो वहां पे क्या किया गया, राम पायली में राम सीता जी का मंदिर बनवा दिया गया। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या और है? इसके अलावा राजीव सागर बांध है जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। कौन सा? राजीव सागर बांध किस नदी पर? बावन खड़ी नदी पर। कौन सा? राजीव सागर बांध। राजीव सागर बांध बनाया गया कहां पे? ये बावन थड़ी नदी पर। को किन्होंने बनवाया, किस किसने? तो कौन कौन सा गवर्नमेंट ने? एमपी एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनवाया मिलके। क्लियर? कौन सा? राजीव सागर परियोजना, राजीव सागर बांध परियोजना। इसके अलावा नहलेसरा धुती बांध और गंगुल पारा बांध ये भी कहां पे है? बालाघाट में। कौन कौन से? नहलेसरा धुती एवं गंगुल पारा। ठीक, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन परीक्षा में कहीं पूछ लिया तो आप लोग पता होना चाहिए। नहलेसरा धुती और गंगुल पारा ये बात कहाँ पे है? ये भी है हमारे बालाघाट जिले में ही है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कुछ फैक्ट्स कौन कौन से हमने बताया यहाँ पे। तो सबसे पहले चीज बताया कि मैग्नीज नगरी बोलते हैं महाराष्ट्र में, इससे क्या होते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, साथ ही साथ बालाघाट का भरवेली जगह पे इसके खदान बहुत ज्यादा पाए गए हैं। ठीक है, और पूरे देश का लगभग 80%, पूरे देश का 80% उत्पादन कहां से होता है? यही बालाघाट से ही होता है। क्लियर? इसके बाद बताया कि एक और क्या फैक्ट यहाँ का है कि बैगा जनजाति, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? बैगा जनजाति पाई जाती है। और 53 पॉइंट लगभग यहाँ पे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, तो 53.85% वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। क्लियर? और यहाँ पे एक फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है, मध्य प्रदेश का पहला फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वो भी बालाघाट में है, वन राजिक महाविद्यालय। सो क्या होते हैं? वन राजिक महाविद्यालय। वो कहाँ पर है? वो बालाघाट जिले में है। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ की फेमस पर्सनैलिटी की, तो यहाँ की फेमस पर्सनैलिटी कौन है? मेहरुन्निसा परवेज। मेहरुन्निसा परवेज जो कि इंडियन राइटर एंड नॉवलिस्ट है, साथ ही साथ इनको पद्मश्री से 2005 में पुरस्कृत भी किया जा चुका है। क्लियर है? तो कुल मिला के ये था हमारी बालाघाट की क्लास, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं दिखी, बस इसमें ये था कि मैग्नीज सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, मलाजखंड क्षेत्र है, वो बहर जो जगह है मतलब तहसील है वहां से होता है, साथ साथ कान्हा नेशनल पार्क है यहाँ पे, है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास।